गुड बाय बल्लू। बल्लू जब से मेरी हर चीज शेयर कर रहा है, मेरा बेड, मेरा रूम, मेरे मम्मी पापा और अब तो मेरा बर्थडे भी। तू सुधर जा बल्लू, वरना पीट दूंगी। होते हो क्यों तुम दोनों उदास? अगर नहीं बदल सकता मानव वापस मानव में, तो इस इच्छा शक्ति की मदद से ला तो सकते हो ना तुम मानव को इस घर में। अरे हाँ, पहली बार बल्लू लल्लू ने अक्कल की बात की है। चलो रुक जा बल्लू। बहुत मिस करूंगी, प्लीज तू रुक जाना। प्लीज तू कहेगा ना तो मैं तुझे कभी भी बल्लू लल्लू नहीं कहूंगी। और हाँ, तुझे परियों की कहानियां पसंद नहीं है ना, तो ठीक है, मैं तुझे वो सुनने को नहीं कहूंगी। और बल्लू प्लीज तू रुक जा। चाचा, कल रक्षाबंधन है, तो क्या कल तक बल्लू यहाँ रुक सकता है? मैंने मानव और बल्लू के लिए राखी बनाई है, एक बार मैं बल्लू को राखी बांध दूं, फिर आप उसे ले जाना। बच्ची इतना कह रही है तो उसका मन रखिए ना प्लीज। हाँ, सिर्फ रक्षाबंधन तक। हाँ प्लीज चाचा, प्लीज रक्षाबंधन प्लीज। अगर चाचा मुझे आज ले जाना चाहते हैं तो उनकी कोई मजबूरी होगी। हाँ, ऊपर से आदेश है। हाँ? जो नए मेरे मालिक है उन्होंने जल्द से जल्द बुलाया है, इसलिए अब हमारी क्या मजबूरी है, इस परिवार को क्या बताएं। बल्लू चलो, तुम सबसे आखिरी बार मिल लो और तुम सब बल्लू से आखिरी बार मिल लो। दुबई कौन है? अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, यहाँ देखो। नटखट परी! अब मेरी बात ध्यान से सुन, अभी के लिए ये नाटक बंद कर दो। रानी परी का आदेश है कि बल्लू को कल रक्षाबंधन के त्योहार तक यहीं अपने परिवार के साथ रहने दिया जाए। बात समझ गए ना? हाँ समझ गया समझ गया। तो खड़े क्या हो, जाओ ना। हाँ हाँ अभी पता चला। हम यहाँ इतने दुखी हैं और आप नाच रहे हैं। कम से कम इस तरह नाच के हमारे जख्मों पर नमक तो मत छिड़किए। तो क्या छिड़कू? अरे आपको जो खुशी मिलने वाली है उसी खुशी में मैं नाच रहा हूँ। मतलब बल्लू नहीं कह रहा? हाँ। सुनो सुनो सुनो, लेकिन ये सिर्फ आज के लिए रुकेगा, कल मेरे साथ जरूर जाएगा। कल सिर्फ रक्षाबंधन तक ही रुकेगा, समझे? हाँ। शुक्रिया रानी परी, आपने एक और दिन मुझे मेरे परिवार के साथ रहने का समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंगल बेल रक्षाबंधन आया रे, जिंगल बेल राखी बंधवाने आया रे। खुश रहो सांता क्लॉस, खुश रहो, खुश रहो परियों, खुश रहो। सांता क्लॉस, आज हम बहुत ही खुश हैं कि आज रक्षाबंधन के दिन आप परिलोक में आए। हम सारे परियां बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपको राखी बांधने के लिए। मैंने अपनी प्यारी बहनों को ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं सांता क्लॉस जी, बिल्कुल नहीं। डूबा डूबा दो, डूबा डूबा तीन, ये। बाकी सारी परियों को बता दीजिए कि सांता क्लॉस परिलोक में आ चुके हैं। ये खुश रहो रानी पारी, खुश रहो, खुश रहो परिया, खुश रहो, खुश रहो सांता क्लॉस, खुश रहो। परियों, रक्षाबंधन के त्योहार का आरंभ किया जाए। माँ मिठाइयाँ टेबल पर रख दी है। नहीं, मिठाई के मामले में तू एकदम तेरे बापूजी पे गया है। इसलिए माँ जी ये सबसे छुपाते हुए चुपके से चोरी से मिठाई खाने वाले थे, है ना? सही कहा बहू, इसलिए तो सब लोग कहते हैं कि एकदम बापूजी पे गया है ये। तो माँ, पापा, वाह, अरे वाह, एकदम ट्विन लग रही है। ट्विन नहीं माँ, क्वीन। ट्विन का अर्थ है जुड़वा। और अपनी मेहर तो बिल्कुल क्वीन लग रही है, एकदम सुंदर रानी की तरह। क्यों ना लगूं मैं क्वीन? मैं बहन हूँ ना, और आज मेरा दिन है। इस दिन का तो हर बहन को पूरे साल इंतजार रहता है, क्योंकि इस दिन उसका भाई उसकी हर बात मानता है और उसे गिफ्ट भी देता है। और इस राखी से भाई बहन का रिश्ता और मजबूत होता है। अरे वाह, करेक्ट, वाह मानव, वाह, सही कहा तूने। गुड़िया लग रही है। चलो स्मिता, सारी तैयारी हो गई? हाँ, तो इस बात पे मिठाई बनती है। अरे पहले राखी तो बांधने दो। हाँ हाँ हाँ, पापा आरती रेडी है, राखी भी रेडी है, लेकिन राखी बनवाने वाला ही रेडी नहीं है। मैं तो रेडी हूँ। हाँ, मानव, वो बल्लू लल्लू नहीं, बल्लू रेडी नहीं है। वो कहाँ है? वो तो कमरे में भी नहीं था। क्या कमरे में नहीं है? यहाँ नहीं है तो है कहाँ? दुबई। हाँ, मेरा मतलब है कहीं वो दुबई तो नहीं चला गया? नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकता है? उसने कहा था वो रक्षाबंधन तक रुकेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें रोते हुए नहीं देखना चाहता हो और इसीलिए हमारे उठने से पहले ही चला गया हो? कितने प्यार से मैंने उसके लिए राखी बनाई थी, कितनी सारी तैयारियां की मैंने उसके लिए, वो सब कुछ छोड़कर चला गया। नहीं, एक बार भी नहीं सोचा उसने मेरे बारे में। मामा, अगर सचमुच बल्लू दुबई चला गया होगा ना, तो मैं भी उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। मैं भूल जाऊंगी कि बल्लू मेरा भाई है। मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। वो रहा मेरा शिकार बल्लू। मुझसे बचने के लिए तुमने ये राज इतने सालों तक मुझसे छुपाए रखा पालवी, मगर अब मैं जान गई और इसीलिए आज मैं तुम्हारे शक्तिहीन रूप में तुम्हारे जीवन का चिराग बुझाकर परिलोक में हमेशा हमेशा के लिए अंधकार कर दूंगी। ये वार करते समय करना चाहिए सिर्फ पाप, वरना पल्ले पड़ जाएगी हर हर बार की तरह। मुझे ये मत बताओ कि मुझे कब क्या करना है, समझे? अचानक इस गुब्बारे में कैसे आ गया? इस मायावी गुब्बारे को तोड़ने की कोशिश करना बेवकूफी है बल्लू और बाली। क्यों चौंक गए कि मैं कैसे जानती हूं कि तुम बालवीर? बेवकूफ, मैं तो ये भी जानती हूं कि तुम इस रूप में शक्तिहीन हो, इसलिए इस मायावी गुब्बारे में ना ही तुम्हारा कोई जादू चलेगा और ना ही तुम बालवीर में बदल पाओगे मुझसे युद्ध करने के लिए। अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ बालवीर। अब इस जहरीली हवा के जरिए तुम कुछ ही पलों में हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाओगे बालवीर। तड़प तड़प के मरोगे तुम। आ रहा है मुझे बहुत आनंद बालवीर को तड़पते हुए देखकर। आज अच्छाई बुराई के सामने अपना दम तोड़ देगी। तो प्लीज दुखी मत हो, बल्लू जरूर यहीं कहीं होगा, वो भी आ जाएगा। मानव प्लीज तू मुझे झूठ मूठ में खुश करने की कोशिश मत कर। मैं देख क्या देखूं मानव, मैं क्या देखूं? मैंने तो उसे जाने से नहीं रोका था ना। पर कम से कम वो मुझसे अपनी राखी तो बंधवा के जा सकता था ना। मेहर, मुझे सचमुच लगता है बल्लू तुझसे राखी बंधवाने जरूर आएगा। वो रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन मेहर का दिल नहीं तोड़ सकता। उसे तो कब से इंतजार था इस दिन का। नहीं मानव, मुझे तो लगता है कि बल्लू अब कभी नहीं आएगा। मैं उसे कभी राखी नहीं बांध पाऊंगी। जिस रक्षाबंधन के दिन एक भाई और बहन का अटूट रिश्ता बनता है, उसी दिन एक भाई और बहन का रिश्ता टूट जाएगा। तड़पो बाली तड़पो। बचाते हो तुम सभी बच्चों को बालवीर, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? बालवीर, बालवीर बचाओ। वो तुम खुद ही बालवीर पुकार रहे हो, क्यों बालवीर को? तुम्हारी ये चालें अब मुझ पर नहीं चलेगी बालवीर। तुम्हें कोई बालवीर बचाने नहीं आएगा। कोई नहीं, नहीं, नहीं। बस भयंकर परी, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। पहले तुमने मानो मेहर पे आग का पत्थर फेंका और अब बल्लू पे वार किया। इसकी बहुत कड़ी सजा दूंगा मैं तुम्हें। हे विजदार परी, भयंकर परी में है बहुत दोष, इसलिए दो ऐसी शक्ति जिससे ऊर्जा इसके होश। बच के भाग नहीं पाओगी भयंकर परी। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों को कैद करने का, अब मैं तुम्हें कैद करूंगा।